हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी लाई है। देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पे मछली लिया है, हमने यहाँ पे कतला मछली लिया है और अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और टेस्ट के अनुसार हमने इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे छोटा चम्मच का एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटे चम्मच और फिर अच्छे से हाथों की मदद से मसालों को मिक्स करेंगे। देखिए, धीरे धीरे मिक्स करना है और फिर हम अच्छे से मसालों को मिक्स करने के बाद थोड़े टाइम के लिए हम मैरिनेट करके रखेंगे ताकि जो मसाला है वो फिश के अंदर अच्छे से चला जाए और टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया आए। देखिए, मसाला लगभग हमने मिक्स कर दिया है सारा का सारा। अब हम 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, आधा घंटा के लिए भी कर सकते हैं। फिर देखिए, हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे और ऑयल डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि ऑयल जो है वो जल्दी जल्दी गरम हो जाए और गरम होने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। देखिए, ऑयल जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इस ऑयल में ये जो मछली है वो हम ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। धीरे धीरे हम मछली जो है वो ऐड करेंगे। ये एक अलग तरह की डिश है, आप इसे घर पर बनाइए, ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी आप खा सकते हैं। देखिए, सारा का सारा जो मछली है हमने ऐड कर दिया है और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम उसे फ्राई करेंगे। और देखिए, कुछ हमने यहाँ पे मसाला लिया है, हमने लहसुन लिया है, साबुत धनिया लिया है, ये काली मिर्च लिया है साबुत, जीरा लिया है और हरी मिर्च लिया है। इसका हम मिक्सर ग्राइंड में डालेंगे और ऐसा दरदरापन का एक मसाला तैयार करेंगे। ये एक ख़ास मसाला है, हम पीस लिया है मसालों को। फिर उसमें देखिए, हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर जो है वो भी आधा छोटी चम्मच हमने ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी हमने आधा चम्मच ऐड कर दिया है, छोटी चम्मच का आधा चम्मच। फिर देखिए, हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद फिर हम अच्छे से पीस लेंगे। और इधर देखिए, मछली जो है एक साइड जो है वो फ्राई हो गया है, डीप फ्राई नहीं करना है, आधा ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर की हमें फ्राई करना है। एक साइड फ्राई हो गया है इसीलिए हमने दूसरा साइड जो है वो पलट देंगे एक एक करके ताकि दूसरा साइड जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। फिर देखिए, मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये फ्राई करना है। और फिर इधर देखिए, मसाला जो है हम अच्छे से फिर से पीस लिया है, इसी टाइप का हो गया है। अब हम प्लेट में मसाला जो है हमने पीस लिया है वो हम निकाल लेंगे। पूरा का पूरा स्मूथ नहीं बनाना है मसाला को, थोड़ा हम देखिए दरदरा बन रहा है, इसका जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। फिर हम देखिए, यहाँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़ा साइज़ का हमने प्याज लिया है, इसका हम बड़ा टुकड़ा कर लिया है, इसको हम पीसेंगे। फिर देखिए, ये जो मछली है वो फ्राई हो गया है, हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये मसाला फिश करी है, जो मसाला हमने बनाया है आप उसी तरह से मसालों को पीस के बनाइए, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। देखिए, ये टमाटर और ऑनियन का पेस्ट है, हमने वो भी तैयार कर लिया है। इधर जो ऑयल है, देखिए ऑयल को उसी ऑयल में हम थोड़ा ऑयल डाला है और अच्छे से गरम कर लिया है, और जो ऑनियन और टमाटर का पेस्ट है वो हमने डाल दिया है इसमें। और गैस का फ्लेम जो है इसी टाइम हमने मीडियम ही रखा है, हाई नहीं किया है, और एक चम्मच की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करना है मीडियम फ्लेम पे। हम मिक्स करेंगे और देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, हाई फ्लेम पर हम नहीं पकाएंगे। अच्छे से पेस्ट को हम मिक्स करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। फिर देखिए, यहाँ हम कारी पत्ता लिया है,
8-10 करी पत्ता जो हमने लिया है वो हमने ऐड कर दिया है। इसमें क्या होता है, जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया आता है। और करी पत्ता डालने के बाद हम थोड़ा भून लेंगे, और भूनने के बाद हम यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके हम जो मिक्स कर रहे हैं मसालों जो हम भून रहे हैं, इसका जो कच्चापन है चला जाएगा और बहुत बढ़िया एक खुशबू बाहर आएगा। फिर देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। और ये जो मसाला हमने बनाया था, साबुत मसाला जो हमने पेस्ट करके बनाया है, वो हमने डाल दिया है। और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा का सारा मसाला जो है हमने डाल दिया है, और अच्छे से हमें मिक्स करना है 8-10 मिनट के लिए। हम मसाला तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो खुशबू है वो अच्छे से बाहर ना आए, ताकि इसका कच्चापन चला जाए और अच्छा से एक खुशबू बाहर आए। फिर मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पे चीनी ऐड किया है, ताकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आए। आप वो ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसे ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए हम अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हमने थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, ताकि थोड़ा इसमें कलर जो है वो बहुत बढ़िया आए। अब जब किसी मेहमान को खिलाएंगे तो थोड़ा कलर अच्छा लगेगा, तो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए हमने थोड़ा पानी डाला है 1/2 कप, इसमें ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। और फिर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमें जो मसाला को भूनना था वो अच्छे से हमें भून लिया है, उसका कच्चापन जो है वो भी चला गया है। और फिर देखिए हम थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मिक्स कर दिया है, और थोड़ा 5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और फिर 1/2 कप हमने फिर से पानी डाल दिया है। आप अगर ग्रेवी ठीक पसंद करेंगे तो पानी कम डालिए, अगर थोड़ा पतला पसंद करेंगे तो थोड़ा पानी डालिए। लास्ट में हमने गरम मसाला जो है ऐड कर दिया है खुशबू के लिए, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए हमने यहाँ पे जो ग्रेवी बनाएंगे वो ज़्यादा ठीक भी नहीं होगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, मीडियम रखेंगे आप। फिर देखिए हम यहाँ पे जो फिश हमने फ्राई कर लिया था वो हम ऐड करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे, थोड़ा स्पेस रखेंगे और फिश जो है अच्छे से ऐड कर देंगे एक एक करके। फिश हमने जो सारा का सारा फिश है वो हमने ऐड कर दिया है। देखिए 1 चम्मच की मदद से अच्छे से इसमें हम ग्रेवी के साथ फिश को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि नीचे ऊपर पूरा का पूरा जो है ग्रेवी में अच्छे से ये पक जाए। फिर हम ढक्कन लगाएंगे 5-7 मिनट के लिए, हमने हाई फ्लेम पे अभी इसे पकाएंगे। 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाने के बाद देखिए ये टेक्सचर जो है कितना बढ़िया आया है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है, और ये जो डिश है ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये रेडी हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक एक करके। ये बहुत ईजी है, आप एक बार घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका कलर देखिए बहुत बढ़िया आया है, और खाने में भी बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा ग्रेवी इसके साइड में डालेंगे, ये राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, और पुलाव अगर बनाएंगे तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमने जो मछली है वो डाल दिया है, सर्व कर लिया है। और थोड़ा गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया जो है वो डाल दिया है, ताकि ये देखने में बहुत बढ़िया आए। हमारा जो आज का रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी मछली के साथ आप इसे बना सकते हैं। ये जो डिश है ये बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा।